सो हेलो एवरीवन, सो अभी जस्ट मैं अपडेट दे देता हूँ अपनी लाइफ का। एंड 11 सितंबर कल एग्जाम होने वाली है, फर्स्ट मिड सेम एग्जाम एचएस की है। ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, बस मैं पढ़ लिया था कल रात को। एंड अभी जस्ट मेरे को आज के बेबडी के गोल कंप्लीट करने हैं एंड डीएससी के गोल भी, क्योंकि इस ड्राइवर की सीट के आज के दिन का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है अभी तक। एंड ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, तो अभी बहुत कुछ करना है मेरे को। एंड या दैट्स ऑल अबाउट, अभी जस्ट मैं लंच करके आता हूं, देन बाकी चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए बाय। वन मोर थिंग गाइस, कि पॉडकास्ट आने वाले हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं उन्हें, बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा इन चीज़ों की वजह से, चीज़ें डिले हो रही हैं। एंड कॉलेज लाइफ के बहुत ज़्यादा कम दिन बचे हुए हैं, तो सारी चीज़ें करनी भी हैं। सो देखता हूँ उसको सब चीज़ों को कितनी जल्दी ख़त्म कर पाते हैं। दस मिनट बाय, बार बार नहीं करूँगा। गाइज गुड इवनिंग। एंड मैं 3 प्रॉब्लम करके सो गया था, क्योंकि पता नहीं बहुत गंदी नींद आ रही थी। एंड अभी बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे दिखा देता कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व किया था। 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बाकी 4 करनी है। अभी टाइम हो चुका है 5:42, तो लेट्स गेट स्टार्ट, क्योंकि अभी ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। जल्दी से इनको ख़त्म करते हैं, बेबडी के टास्क पर शिफ्ट होता है। एंड उसके बाद में कल मिड सेम की एग्जाम भी है एचएस की, वो भी पढ़ना है। सो लेट्स गो। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम से जाने से पहले मैं इसका सॉल्यूशन पोस्ट किया था। एंड एक बार वापस से मैं कोड लिखा था वापस से सही से, ठीक याद है ना। एंड ये रहा इसका पूरा लॉजिक एंड ऑल, समझ रहा था वही। एंड या पुस्ट इट, एंड सेम ही ये था, थोड़ा वो डिफरेंट था, मतलब माइनर था, बाकी लॉजिक तो तुम्हारा सेम ही है, लेफ्ट राइट सब कुछ का, क्योंकि इनडायरेक्टली दोनों क्वेश्चन में तुम काम एक ही कर रहे हो। तो इसका भी मेरे को भी सॉल्यूशन पोस्ट करना है, वो मैं कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच मारता हूँ। नेक्स्ट है स्वैपिंग ट्री का, जैसे मैट्रिक ट्री वाला ईजी क्वेश्चन है, इसे करता हूँ ये वाला। ओके सो चलो चलते हैं, इसे करता थैन बताता। ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी पोस्ट कर दिया हूँ। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जाने से पहले इसका एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो इसमें एग्जैक्टली करना क्या था, तो मैं प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया, तो मैं बाइनरी ट्री बनाना था। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तुम्हें पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया, उसमें तुम्हें बाइनरी ट्री बनाना था ये, ठीक है। तो अब मेजर डिफरेंस क्या आएगा, तो मैं इधर दिखा देता हूँ नोट्स में, फिर कोड में दिखाता हूँ। मेजर डिफरेंस ये आएगा कि ये तुम्हारा वो है इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर वाला, तो तुम क्या करोगे इसमें, तुम्हारा इन ऑर्डर का क्या रहता है लेफ्ट रूट राइट, एंड तुम्हारा प्री ऑर्डर का क्या रहता है रूट लेफ्ट राइट। तो इसमें मैं पहला एलिमेंट मेरा रूट होगा ही होगा 10, तो मैं 10 लिया, बस दैट्स इट, लग गया लॉजिक। अब तुम्हारा ये जो सेकंड वाला है उसमें तुम्हारा क्या रहेगा, उसमें तुम्हारा पास ऑर्डर में तुम्हारा क्या रहेगा लेफ्ट राइट रूट, तो उसमें तुम्हारा जो लास्ट एलिमेंट रहेगा वो तुम्हारा रूट रहेगा, बस इसी से ट्री बिल्ड करना है। तो यहाँ देखो कोड में, ये मेरा इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वाला है, तो इसमें देखो जब मैं ये पहली नोड बनाया तो मैंने लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया बनाना, एंड जो तुम्हारा पहले वाला था उसमें मैंने फर्स्ट नोड से बनाना स्टार्ट किया है। वे देखो इधर, बस दैट्स इट। एंड बाकी सेम लॉजिक दोनों में, तो इनडायरेक्टली दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए मुझे। एंड अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन सॉल्वड। एंड अभी मैं आपको एक अच्छा सा बोलता था लॉजिक, क्वेश्चन में करना क्या था ये देखो, आपको एक फंक्शन से पता चल रहा होगा। सेम क्वेश्चन मैंने अभी किया था, आई गेस कल या परसों किया था, सेम ट्री का सेम आया। तुम्हें कुछ नहीं चेक करना है, ये तुम्हें एक सिंगल ट्री दी हुआ है, तुम्हें रूट से लेफ्ट जाना है राइट जाना है, और चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक मतलब 2-2 आया फाइन, बट इसका लेफ्ट होगा वो इसका राइट होना चाहिए। तो इसका लेफ्ट इसका राइट है, इसका राइट इसका लेफ्ट है, समझ गए। तो एक छोटा सा चेंज करना था सेम में वो फंक्शन, सबसे पहले तो मैं रूट को नल पॉइंटर किया और एंड मैंने एक रिकर्जन कॉल करवाया इसका लेफ्ट और राइट, मैंने तो बेसिकली मैंने सेम ट्री में पास करवा दिया। अब इसमें मेरे को एक मेजर चेंज ये करना था कि पहले तो मैं, अब मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन था पहले सेम ट्री वाला, इसमें मैं क्या किया था कि इसमें तुम्हें सेम ट्री चेक करना है, तो इसमें तुम लेफ्ट लेफ्ट जा रहे हो और इसमें तुम राइट राइट जा रहे हो, तो इस तरीके से चेक कर रहे हो। जैसे पी 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 मान लो ये है, तो इसमें मेरा एक बार तो लेफ्ट गया, ठीक है, और उसके बाद में मेरा क्यू है उसका लेफ्ट गया, दोनों चेक कर लिए, उसके बाद में मेरा पी का राइट गया। बट इसमें तुम करोगे रिवर्स, इसमें तुम्हारा पी का लेफ्ट गया तो क्यू का राइट जाएगा और पी का राइट गया तो क्यू का लेफ्ट जाएगा। एंड दैट्स इट, ये सबमिट हो गया है, ये मैं सॉल्यूशन सबमिट कर चुका हूँ, मैं पोस्ट कर देता हूँ ये एग्जैक्टली। कूल, एक तो बहुत सारी है खुली पड़ी है, इन सबको बंद कर देते हैं, सॉल्यूशन सबमिट हो ही गए। कैंसिल 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 कैंसिल, यप लेट्स गो। ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा था फ्लैट एंड ट्री का, तो वापस से मैं वीडियो देखा और भाई इस बार 3 अप्रोचेस, ठीक है,
इतना इजी लग रहा था, और अभी तीन अप्रोचेस के साथ समझाया। पहला तुम्हारा अप्रोच हो जाएगा रिकर्जन टाइप लॉजिक से, तो इतना छोटा सा कोड होगा क्योंकि तुम बार बार लेफ्ट राइट जाओगे, और तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें लेफ्ट को नल पॉइंट करवाना, राइट पे सारे सारे एलिमेंट पुट करने हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन। नेक्स्ट सॉल्यूशन था स्टैक का, उसमें तुम्हें बस स्टैक के अंदर जाना है एंड पुश पॉप टॉप के साथ तुम्हें खेलना है एंड बस ये। बट स्टोर उसमें भी कराना पड़ेगा, तो इसमें बस तुम रिकर्जन हटाओ बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी। एंड जो फाइनल सॉल्यूशन आता है उनमें हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव किया, इसमें तुम करंट एंड प्रीवियस दो पॉइंटर लेते हो, उनके साथ खेलते हो थोड़ा एंड उन्हीं को पॉइंट करवाते हो। जैसे कि मैं एक छोटा सा समझा देता हूँ, इसमें पहला तुमने क्या किया कि तुम वन पे जाओगे, तुमने करंट को रूट मान लिया, ठीक है इस पे करंट है। अब वो जब तक नल पॉइंट नहीं कराता तब तक वो व्हाइल लूप चलता रहेगा। इसका जो लेफ्ट है, बेसिकली जो करंट का लेफ्ट है उसको तुम अगर नल नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं करोगे कि जो उसका लेफ्ट है ना उसको राइट में पॉइंट करवाते जाओगे। अगर तुम सॉल्यूशन देखोगे तो देखो करंट का लेफ्ट में किया, उसके बाद में तुमने चालू किया राइट को, तो जो तो प्रीवियस का तुम्हारा राइट था ना उसको तुमने राइट पे करवा दिया पॉइंट, और इन द एंड तुम नल पॉइंट करवा ही रहे हो उसे, क्योंकि तुमने सब कुछ राइट पे कर दिया, लेफ्ट को पॉइंट कराने छोड़ा ही नहीं। तो उस तरीके से तुम करोगे इस पूरे सॉल्यूशन को एंड ये पूरा ख़त्म हुआ। एंड इसी के साथ आज की अपनी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी दो और बच रही हैं, होप सो ये जल्दी ख़त्म हो जाए। इसको देख लेता हूँ पहले एंड बाकी ये हो गया ऑलमोस्ट। चलो कंटिन्यू करते हैं बाकी चीज़ें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो डिनर डन एंड बैबडी के एंड डीएसए के दोनों गोल्स डन। बैबडी के कमी थे आज, कितने भी नहीं थे ज़्यादा, एंड डीएसए की मेरा बाइनरी 3 वाला था, डे 19 था आई गेस, सो वही सारी प्रॉब्लम सॉल्व की अच्छे से। एंड अभी मैं एचएस का पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मिड सेम में तो थोड़ा पढ़ना बनता है, सो ठीक है बाद में कुछ बताता अगर मैं कुछ और कर रहा हूँ तो। अभी तो सर मैं स्लाइड्स ही पढ़ लेता हूँ याद है सेट। The next morning. Hey, what's up, Anders? First exam matches. Waiting for that. And पीछे मौसम देख चुके हो, मैं तो दिख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि सीधा स्क्रीन पे फोकस आ रहा है, I guess. Okay, LH1 में है, अब देख के आते एग्जाम एंड देन बाकी चीजें, बाकी ऊपर से दिखाऊँ तो यप ठीक है ना। गुड, क्या बादल आ रहे हैं भाई।